पाकिस्तान के जाल में फंस गया है दरअसल बांग्लादेश। यहाँ पर यूनुस सरकार ने तैयार किया है ब्लूप्रिंट, पाकिस्तान से विस्फोटक खरीदने का ये ब्लूप्रिंट है जो तैयार किया गया है मोहम्मद यूनुस की तरफ से, जो दावा है छोटी दूरी की मिसाइल भी मोहम्मद यूनुस खरीद सकते हैं। जो जानकारी है यहाँ पर टैंक्स के लिए 2000 शेल की खरीद का प्लान भी तैयार किया गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश में करीबी देखी जा रही है, या फिर ये कहिए जो खबरें इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, वो भारत के लिहाज से ठीक नहीं है। और बांग्लादेश को सडनली एक ऐसा देश जो IMF के प्रोग्राम के अंडर चल रहा है, जिस कंट्री की आर्थिक हालत इतनी जरा स्ट्रांग है नहीं, सडनली ये कंट्री डिफेंस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बांग्लादेश हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा इकट्ठा कर रहा है और भारत ये सोच रहा है कि एक तरफ तो म्यांमार है, दूसरी तरफ भारत है, और तो बांग्लादेश के साथ कोई मुल्क लगता नहीं है। और कुकी लैंड की बात जो चल रही थी दोस्तों, वो हकीकत बनने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से जहां पर बहुत बड़े गोला बारूद लिया था, आर्टिलरी ली थी और टैंकों के गोले लिए थे, उसी के साथ अब बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 थंडर फाइटर जेट भी खरीद रहा है और उसी के साथ बांग्लादेश ने मिसाइल खरीदने की भी बातचीत कर दी है। क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश ये भी जानता है मिसाइल वाली बात थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, अगर आप किसी मुल्क से मिसाइल ले रहे हैं तो ये थोड़ा सा लंबा काम चलता है, और उसने पाकिस्तान के जहन में ये बात डाल दी है कि वो अब पाकिस्तान से मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी रखता है। दोस्तों कौन से मिसाइल दिए जाएंगे जो कन्वेंशनल वॉरहेड लेकर जा सके, न्यूक्लियर वॉरहेड वाले पाकिस्तान किसी को भी दे नहीं सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है कि न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान किसी को भी नहीं दे सकता। लेकिन दोस्तों इसी के साथ कन्वेंशनल जो वॉरहेड है जिनमें न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों कैपेबिलिटी है, जिनमें बाबर सीरीज आती है, इसी के साथ हतफ सीरीज आती है और बाकी भी हुंजा सीरीज के मिसाइल हैं जो पाकिस्तान बांग्लादेश को दे सकता है। और भारत में ये खलबली मच चुकी है कि बांग्लादेश के साथ तो हम ही लगते हैं जिसके साथ बांग्लादेश के हालात खराब है, वरना तो दोस्तों म्यांमार के साथ बांग्लादेश के हालात ऐसे नहीं है कि वो उसके लिए बड़ी फौज और बड़ा असला बारूद इकट्ठा करे। जबकि भारत की बात करें तो पूरा बांग्लादेश इस भारत को खाने और तबाह करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये उनका कदम बांग्लादेश के लिहाज से भी ठीक नहीं है और उनके अपने राजनीतिक करियर के लिहाज से भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान के जाल में एक तरीके से बांग्लादेश फंस गया है और मोहम्मद यूनुस सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है, पाकिस्तान से विस्फोटक खरीदने का ये प्लान है। छोटी दूरी की मिसाइल इसमें खरीदी जा सकती है। टैंक्स को लेकर भी बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान कुछ टैंक्स की भी खरीद यहाँ पर कर सकता है, मतलब जिस बारूद के ढेर पर पाकिस्तान बैठा है, क्या वही बारी अब बांग्लादेश की भी आ रही है सामने। पाकिस्तान से विस्फोटक खरीदने का प्लान है, छोटी दूरी की मिसाइल के साथ साथ टैंक्स के लिए 2000 शेल की खरीद का प्लान भी बांग्लादेश ने बनाया है। ऐसे में यूनुस और शहबाज में डील क्या कुछ हुई है और कैसे इस डील की चर्चा है आप जान लीजिए। पाकिस्तान से हथियार खरीदना चाहता है बांग्लादेश, इसमें हैवी वेपनरी के 40,000 राउंड खरीदेगा बांग्लादेश। इसमें टैंक्स के लिए 2000 शेल की खरीद का प्लान भी बांग्लादेश ने तैयार किया है। इसमें 40 टन RDX इंपोर्ट करना चाहता है बांग्लादेश। आप समझिए कि जो बांग्लादेश पहले से सुलग रहा है, जल रहा है, जहां पर अशांति है, कहीं भी हिंसा की घटनाएं रुकी नहीं, वहां बांग्लादेश की ये तैयारी 3000 छोटी मध्यम रेंज के मिसाइल भी खरीदने का प्लान यहां बांग्लादेश का है। और पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में ये खिचड़ी पक रही है, क्या पक रहा है, कैसे पक रहा है और क्यों इस बात का अंदेशा हो रहा है, इस खबर को अब और विस्तार से जान लीजिए। कैसे नीति में बदलाव हुआ है, दरअसल यूनुस सरकार ने कस्टम नीति बदली है। हर जहाज की फिजिकल जांच नहीं होगी, ये पाकिस्तान के लिहाज से फैसला किया गया है। मंत्रालय से जहाज की जानकारी आएगी, पाकिस्तान से आए जहाज की फिजिकल जांच नहीं होगी, यानी कि जहाज में क्या है क्या नहीं है ये जांच नहीं होगी, यानी कि कोई ऐसी चीजें हैं, कुछ तो ऐसा पक रहा है जिसे छिपाने की भी कोशिश है, और ये मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ के बीच में हुई डील का नतीजा है। अब ऐसे में सवाल बहुत से हैं, वो सवाल जो कि बुनियादी हैं, उठने भी चाहिए। सवाल है कि क्या जहाज के जरिए हथियार भी भेजे गए हैं और इसीलिए फिजिकल चेकिंग को रोका गया है। सवाल ये भी कि क्या जहाज से परमाणु संयंत्र के उपकरण भी भेजे गए हैं और क्या इसीलिए बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में डील हुई है। शायद बांग्लादेश ये भूल गया है कि पाकिस्तान से टूटकर ही अलग हुआ था, पाकिस्तान के हालातों को देखते हुए अलग हुआ था और आज पाकिस्तान बांग्लादेश करीब आते हुए नजर आ रहे हैं इस डील के चलते। पाकिस्तान के उच्चायोग का बयान भी इस पर सामने आया है। वो कहते हैं कि पहली बार है कि पाकिस्तान के कराची से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर कार्गो पोत सीधे पहुंचा है और ये द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण कदम की शुरुआत है। ये नया रूट सप्लाई चेन को और ज्यादा आसान बनाएगा, ऐसा उनका मानना है। वो कह रहे हैं परिवहन के समय में कमी भी लाएगा और दोनों देशों के व्यवसाय के लिए नए मौकों के दरवाजे खोलेगा भी। तो क्या ये वाकई सिर्फ व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए हो रहा है या फिर पीछे से चल कुछ और रहा है और सामने दिखाया कुछ जा रहा है, यानी कि क्या इन जहाजों में परमाणु संयंत्र से जुड़ी हुई चीजें हैं या फिर क्या इसमें हथियार ले जाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों कहा गया कि फिजिकल जांच नहीं होगी और ये सीधे सीधे बांग्लादेश के पोत तक पहुंचना पाकिस्तान के जहाज का, ये कई सवाल है जो उठा रहा है। देखिए मैं इसको सिर्फ पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं करूंगा, क्योंकि यूनुस साहब जो है वो कोई पॉलिटिशियन है नहीं, उनकी 84 ईयर्स है, नोबेल लॉरिएट है और वो प्रो अमेरिकन, उनकी जो भूमिका रही है वो जगह जाहिर है।
नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ भी इमरान खान को हटा के अमेरिका ने वहां पे उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, जो कि भारत अमेरिका के साथ में ऐसा होता है कि वो आपके साथ में मित्रता जितनी रखता है उसके चेक एंड बैलेंस में भी वो इसको करते हैं। और जिस तरह से बांग्लादेश में चेंजेस हुए हैं, ये तभी हमने प्रेडिक्ट किया था कि हसीना गवर्नमेंट के जाने के बाद में जिस तरह से उसको बाहर किया गया, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सरकार उन्होंने बनाई है, तो इसमें जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिया मिसेस जिया की है, वो ह्यूज स्केल पर वेपन्स क्यों इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, और एज इंडियंस यू शुड नो अबाउट दिस। यूजुअली देखिए जब हम अपने नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं तो फोकस सिर्फ पाकिस्तान और चाइना पे रहता है, बट आने वाले 5 से लेकर 6 सालों में अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा हमें बांग्लादेश पर भी बहुत ज्यादा फोकस करना होगा कि ये लोग क्या परचेज कर रहे हैं, बॉर्डर पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। आने वाले 5-6 साल काफी टफ होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे बांग्लादेश सीक्स टू बूस्ट डिफेंस कैपेबिलिटीज। बांग्लादेश को सडनली एक ऐसा देश जो IMF के प्रोग्राम के अंडर चल रहा है, जिस कंट्री की आर्थिक हालत इतनी ज्यादा स्ट्रांग है नहीं, सडनली ये कंट्री डिफेंस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च रहा है और ये लोग आर्टिलरी एम्यूनिशन परचेज करेंगे फ्रॉम पाकिस्तान। इधर आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, बांग्लादेश सीक्स न्यू सप्लाई ऑफ एम्यूनिशन फ्रॉम पाकिस्तान। और हिंदी में देखिए हिंदी मीडिया में ये जो टाइटल है ये काफी पब्लिश किया गया कि इतने गोले बारूद का क्या करेगा बांग्लादेश। और बहुत ज्यादा एक जेन्युइन सवाल है एस इंडियंस के, सडनली बांग्लादेश जिसकी आप अगर बॉर्डर देखो, दो कंट्रीज के साथ बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है, एक तो भारत और दूसरा म्यांमार। नाउ क्या म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है? पॉसिबिलिटी है। याद रखिएगा बांग्लादेश में जो आज के समय गवर्नमेंट है, चाहे कोई ऑफिशियली बोले ना बोले, काफी हद तक यूएसए का सपोर्ट है उसको, ठीक है। यूएस चाहे चुप रहे बांग्लादेश चुप रहे, बट एक अंडरस्टैंडिंग है जियोपॉलिटिकली कि यूएसए खुल के सपोर्ट करता है बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट को, मोहम्मद यूनुस के अंडर जो सरकार है उसे यूएसए की कंप्लीट बैकिंग है। और याद रखिएगा म्यांमार आज के समय बहुत ज्यादा डीप रिलेशंस बना चुका है विद चाइना, डिफेंस रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस, क्योंकि म्यांमार में डेमोक्रेसी खत्म की जा चुकी है। जो यहां पर लीडर थी आंग सान सू की, ये जेल में है, और जो यहां पर मिलिट्री रूलर है, जो मिलिट्री जुंता जिसको कहते हैं, ये बहुत ज्यादा करीब है चाइना के। और यूएस, जापान और बाकी जो G7 कंट्रीज हैं, यूरोपियन देश हैं, सबने बहुत ज्यादा भारी सैंक्शंस इंपोज कर रखे हैं म्यांमार पे। और याद रखिएगा जब शेख हसीना की भी सरकार थी, तब उस वक्त जो रैपिड एक्शन बटालियन था बांग्लादेश का, उनके चीफ ने ओपनली ये कहा था कि म्यांमार की जो हरकतें हैं, जिस तरीके से काफी बार म्यांमार से अटैक होते हैं बांग्लादेश बॉर्डर पे, लग रहा है कि म्यांमार एक जंग चाहता है बांग्लादेश के साथ। तो मैं क्योंकि ये उनका कदम बांग्लादेश के लिहाज से भी ठीक नहीं है और उनके अपने राजनीतिक करियर के लिहाज से भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान के जाल में एक तरीके से बांग्लादेश फंस गया है और मोहम्मद यूनुस सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है, पाकिस्तान से विस्फोटक खरीदने का ये प्लान है। छोटी दूरी की मिसाइल इसमें खरीदी जा सकती है। टैंक्स को लेकर भी बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान कुछ टैंक्स की भी खरीद यहाँ पर कर सकता है। मतलब जिस बारूद के ढेर पर पाकिस्तान बैठा है, क्या वही बारी अब बांग्लादेश की भी आ रही है सामने?